कहां तक बता दिए थे आप लोगों? परमाणु संरचना, जल्दी बैठ जाओ, परमाणु संरचना समझा दिए थे। गश लोग बैठ जाओ जल्दी। परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे हम आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज वगैरह कौन किया था। केमिस्ट्री में लिमिटेड चीजें पढ़नी है आप लोगों को, और वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे परमाणु संरचना से ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मेटलर्जी से आता है, हाइड्रोकार्बन से आता है, तो आपको फिक्स एरिया पता होना चाहिए कहाँ है। आप लोग से ज्यादा रिएक्शन वक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, और लड़का सब ना केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन समझता है सब। आप नीट और जेई के थोड़ी हैं जो आप लोग से रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछता है कि आपको रिएक्शन बैलेंस कीजिए? गधा, चार पांच तो पूरा केमिस्ट्री से पूछता है। एमडी अब्दुल आपसे मिलना है, नौकरी लेके आओ, मिल लो। ऐसे सोचोगे कि छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हो, मिल लोगे तो नहीं होगा। अब तो नौकरी वाले इतने मिल हो गए हैं कि अब उनको करना पड़ता कि बाबू अब तो तुम खाली टाइम के बीच में आया करो। हर डिपार्टमेंट में ही हो गया है। अब जैसे जिसको 2020-21 बैच का था उसको तो अब ज्वाइनिंग लिया है। दो चीज होता है, एक होता है कि ज्वाइनिंग रिजल्ट, रिजल्ट अलग चीज हो गया, ज्वाइनिंग अलग हो गया, ट्रेनिंग के बाद फाइनल प्लेसमेंट वो अलग हो गया। यहाँ पे तो जो 20 वाले थे सब बैच के, उनका ट्रेनिंग खत्म होकर अब निकल रहे हैं। जो 21 वाले हैं वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं। अब कुछ है जिनका मतलब अब ज्वाइनिंग वगैरह आ रहा है, तो कई टाइप के विद्यार्थी हो गए। तो आप लोग को भी अगर आना है तो कोई बात नहीं, ये स्टेज आपके लिए है। लेकिन यहाँ वही आ सकता है जिसका क्या हुआ नौकरी, नहीं तो यहाँ खौराइल उराइल का कोई जगह नहीं है। आपको लगेगा यहाँ आके नाच गा दीजिएगा तो नहीं। एगो कोरी सर हम नाचना चाहते हैं आप। किससे कह रही थी? ठीक हुआ हम लोग से कही, सर से नहीं कही, न तो इसके बाद ना नाच पाती। यहाँ नाचेगा जी कोई आके? हद है यहाँ पे। तपस्या करने के बाद लड़के आते हैं नौकरी लेके, यहाँ आके नाचेंगे ले हैं। तो उसको आराम से बोला कि सर से गलती से भी मत करना, दिक्कत हो जाएगा, 6 नंबर हॉल में नाचना पड़ेगा। ये जगह नौकरी वालों के लिए, ठीक है? रख दो बाबू मोबाइल वाले, गधा रख दो। हाँ देखिए, सब लोग को पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो गया होगा पीडीएफ, आप लोग देखिएगा। मोबाइल वाले लोग जो एप्लीकेशन वाले नए नए लड़के ना, वो लोग खदखदाने लगते हैं। पीडीएफ एक बार में आप भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए 50 आदमी को, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है जाने में। वैसे आप लोग के पास पीडीएफ में भी समस्या हो जाती है कभी कभी। अब हम लोग परमाणु संरचना के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पैरेलली वेबसाइट का यूज किया कीजिएगा। वेबसाइट जो है उसका आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट पर आप जाइएगा ऊपर 3 डॉट पे, तो वहाँ आपके लाइक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेंस वालों के लिए आंसर राइटिंग मिलेगी, क्यूज मिलेगा, एनसीईआरटी की पूरी की बुक्स मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक्स के अलावे आपको शुभम गुप्ता सर पूरा एनसीईआरटी आराम से पढ़ाएंगे। एकदम ऐसा पढ़ाते हैं जिसे लगता है आपको ना पढ़ा नहीं रहे, खिला रहे हैं आप। एकदम बढ़िया दल्ले बबुआ तो ज्योग्राफी को क्लास 6 का ले एकदम। और आपको ना उतना मेहनत से एनसीईआरटी पूरी इंडिया में नहीं पढ़ाया जाएगा, और जबकि हम लोग ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। जिसको लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जिसका एनसीईआरटी पे कमांड है ना, देखिए एनसीईआरटी में एक राइटर एनसीईआरटी को नहीं लिखता है, कम से कम 10 से 15 राइटर मिलके एक एनसीईआरटी की बुक लिखते हैं। उसके बाद प्रूफ रीडिंग अलग है, इमेज का अलग है। उसमें क्या है ना कि जैसे कोई टीचर लिख दिया क्षोभ मंडल या वायुमंडल लिख दिया, तो 3-4 टीचर लिखेंगे। उसके बाद इमेज डिपार्टमेंट अलग है, उसमें कौन सा इमेज कैसा डालना है वो उस हिसाब से करता है। तो बहुत अच्छी किताब है। आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा जो एम्स का हो या नीट के थ्रू गया हो, एक किताब बोल दो तो सीधा यही कहेगा एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी है तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आजकल कोचिंग थोड़ा सा एक फैशन भी बन गया है और एक थोड़ा सा मजबूरी भी बन गई है, दोनों आप कह सकते हैं बीच का रास्ता। वैसे यूपीएससी में जिस लड़के से आप कहिएगा कि यूपीएससी के लिए कोई एक किताब कहिएगा, तो सबसे पहले अगर कोई किताब कहेगा तो एनसीईआरटी। उसको हम लोग ने सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। उसको आप लोग यूटिलाइज करेंगे लोग
जो नए लड़के हैं वो कोशिश कीजिए कि पहले फाउंडेशन खत्म कर दें, नए लड़के गलती से उधर मत जाइएगा, वरना उधर के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे। हम जो ये वाला जो हम आपको फाउंडेशन पढ़ाते हैं, ये नए लड़के या सबको ये डेवलपमेंट दे देता है, दिमाग में आप लोग को इतना क्षमता दे देता है कि आप पता कर सकते हैं कि हमें क्या पहले पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और डायरेक्टली उसमें जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगा। बाकी हमारा काम आप सब लोगों को एक, जैसे इंडियन रेलवे में जाएंगे एक स्टेशन है मुगल सराय, जिसका नाम अभी दीनदयाल उपाध्याय हो गया। मुगल सराय से पूरी इंडिया के जहां तहां का ट्रेन पकड़िए, समझ जाएंगे वो जंक्शन पॉइंट है, वहां से हर जगह की ट्रेन खोल देता है। तो वैसे ही हम आप लोग को ले जाके मुगल सराय में छोड़ देंगे। आप अगर बहुत क्रीम लेवल के होंगे तो यूपीएससी वाले में ढकेल देंगे, थोड़ा नॉर्मल होंगे तो स्टेट पीसीएस बीपीएससी एमपीपीएससी उधर ढकेल देंगे, हर जगह आप लोग का वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मजाक कीजिएगा तो इसके बाद आपको संभालने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं। यहाँ नहीं समझ में आया तो दिमाग में बैठा लेना कि नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो हम आपको परमाणु के बारे में बताए थे। जे जे थॉमसन ने परमाणु की खोज, जे जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल का तरबूजा मॉडल दिया था। किस किरण का प्रयोग किया? अल्फा की। ज्यादातर किरणें पार हो गए, जो नाभिक के पास से गुजरी वो विचलित हो गए, डाइवर्ट हो गए, और जो नाभिक से टकराई वो लौट, वो क्या हो गई? लौट। परमाणु का नाभिक खोखला या ठोस? ठोस। परमाणु का बाकी भाग खोखला। नाभिक धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। नाभिक में धनावेश का कारण न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज? जीरो। बाहर में क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। चलिए बाबू अब ध्यान से देखते हैं, नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते हैं सब। इलेक्ट्रॉन का काम है बाहर में क्या करना? चक्कर लगाना। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। देखिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर में चक्कर लगाते रहता है। अब देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? चक्कर लगा। इसका सिद्धांत कई लोगों ने दिया था, सबसे पहले परमाणु मॉडल डाल्टन है, डाल्टन ने कहा परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में देखा गया कि परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ये तीनों चीज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? परमाणु। ये तीनों चीज को मिलाते हैं तो परमाणु। तो कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता, तो परमाणु तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ने के बाद वो किसी काम लायक नहीं बचेगा, किसी काम लायक नहीं बचे, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करेगा, अकेले प्रोटॉन कुछ नहीं करेगा, अकेले न्यूट्रॉन कुछ नहीं कर सकता। तो ये तीनों का कम से कम एक साथ होना जरूरी है। तो परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, याद रखिएगा, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। देखिए तो सबसे छोटा कण है परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन। तो परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, लेकिन सबसे छोटी इकाई है। इकाई उसे कहा जाता है, यूनिट उसे कहा जाता है जो अपना काम कर सके, जो अपना कंप्लीट काम को कर सके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे छोटी इकाई परमाणु, क्योंकि इसमें कितने चीजें थी, जो स्टेबल रह सके वही इकाई है। देखिए, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो चक्कर लगाते रहेगा, अस्थाई रूप से क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। तो सबसे छोटा कण परमाणु है, हाँ, क्या है? इकाई। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है, लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। इकाई मतलब जो अपना पूरा काम कर सके। जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसमें एक ओपीडी है, ओपीडी मतलब आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आया पर्ची कटाया हमारा हाई हो गया, और उसी में ऑपरेशन थिएटर है, उसी में मेडिसिन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट है, क्या है? यूनिट है। और उसी में जांच का भी है, तो क्या कह सकते हैं? यूनिट। अब पता चल रहा है कि आया पेशेंट, उसके लीवर में गड़बड़ी है, जांच के लिए दूसरे अस्पताल में भेजा, तो यूनिट नहीं है। अगर उसी अस्पताल में जांच हो गया, उसी अस्पताल में ऑपरेशन हो गया, तो एक क्या बन गया? यूनिट। उसी तरह परमाणु सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? परमाणु। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में तीन चीज जरूरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हर जगह पाए जाएंगे।
जैसे हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम अब एक केमिस्ट्री की एक यूनिट बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हमारे शरीर में भी है, हर जगह मिलेगा, आप लोहा ले लीजिए कहीं में मिले, लेकिन सबसे छोटा कण जहां ये तीनों मिलेगा, परमाणु, क्या है, परमाणु, परमाणु है। अब ये परमाणु का मॉडल डिसाइड किया गया, तो ये वाला जो अल्फा प्रकीर्णन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने तो कई चीजें बता दी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन बीच में होता है, न्यूट्रॉन भी बीच में होता है, ये सारी चीजें बता दिया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ससुरा चक्कर क्यों लगाता है इसके बारे में आई, तो मैक्सवेल नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई चीज चक्कर लगाता है ना तो अपनी ऊर्जा को खोता रहता है, अपनी ऊर्जा क्या करता है, खो देता है। तब उस हिसाब से ना उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज चक्कर लगा रहा है तो लगातार अपनी ऊर्जा में कमी कर रहा है, तो जब कोई चीज अपनी ऊर्जा में कमी करता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, अपनी ऊर्जा में वो भी क्या करेगा, कमी करे, तो जब ऊर्जा में कमी करेगा तो एक समय आएगा ऊर्जा खत्म भी हो जाएगी कम करते करते, तो इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, नाभिक में, और प्लस माइनस मिलके नष्ट कर लेंगे एक दूसरे को, तो क्या यह परमाणु मॉडल सक्सेस होगा, तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत सक्सेस हुआ नहीं, जे थॉमसन का तरबूजा, हाँ, अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड का जितना बताया उतना सही था, लेकिन उसके आगे वो बता नहीं पाए। तब आए बोरबरी, कौन आए, बोरबरी, लाइव वाले ध्यान से देखते रहिए, बोरबरी आए, एक कह रहा है कि सर लाइव में सही है या ऑफलाइन पटना में ठीक है, देखो बाबू दोनों चीजवा सेम है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही तुम यहाँ बैठ के पढ़ोगे, हम वीओडी नहीं देते हैं कि स्टूडियो में बैठ के पढ़ा दे, स्टूडियो में पढ़ाने और यहाँ पढ़ाने में अंतर होता है, यहाँ जो पढ़ाया जाता है ये ज़्यादा नेचुरल रहता है, स्टूडियो में क्या होता है ना कभी कोई डाउट कोई पूछने वाला है नहीं, सामने रहते हैं सब, अब जितने आप लोग जो डाउट पूछेंगे उस वो सारा टीचर यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो गया रहता है, तो वो ज़्यादा सही है। अगर घर की आर्थिक स्थिति एकदम खराब है तो वहीं से पढ़िए, मीडियम लेवल का है लेकिन पटना नहीं आ सकते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कोई रूम ले लीजिए, वहां रूम सस्ता मिल जाता है, 800-1000 रुपए में ना अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, अरे डिस्ट्रिक्ट में गांव में आराम से मिल जाता है। आप कौन लंदन में रहते हो क्या, अरे गधा कहीं का 2000 रुपये में पटना में रूम मिलता है तो तुम्हारे गुआ में 4000 में मिलेगा, 1000 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं या तो ब्लॉक में चले जाइए जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, या डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, सैटरडे संडे घर भी चल जाएंगे साइकिल चला के, और अगर ठीक ठाक पैसा दे सकते हैं, साल डेढ़ साल सर्वाइव कर सकते हैं तो पटना आइएगा। जरूरी नहीं कि पटना आने का मतलब है कि आपका रिजल्ट हो ही जाए, यहाँ से कोई ऐसा बर्बाद होता है कि दूसरा उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता, एक से एक। यहाँ एक लड़का शुरू शुरू में आया था ना, मतलब अब पता नहीं अब क्या हाइयो है कि सुसाइड उसाइड तो ना कर लिया, वो जब शुरू शुरू में आया था ना तो उसको भीड़ गया ना, एक मार्केटिंग वाले नहीं होते हैं सब, दो आदमी को जोड़िए आपको इतना पैसा मिलेगा, तीन आदमी को जोड़िए इतना पैसा मिले, हाँ नेटवर्क में बेचारा उसमें जुड़ गया, वहाँ पे उसका पैसा वैसा फंसा दिए सब, अब वो जोड़ने ओढ़ने के चक्कर में एक डेढ़ साल बर्बाद हो गया, अभी वो काम खत्म हो गया उसका, वो कभी नहीं कर सकता। तो ये सब नौटंकी में मत पड़िएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, तो जहां मन है आप लोग का वहां पढ़िए, बोरबरी आए, कौन है, बोरबरी, बोरबरी ने सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि हर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अरे तेरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब एक बात बताइए, आप अगर क्लास 7 में पढ़ते हैं, कोई लड़का क्लास 7 में पढ़ता है तो उस क्लास 7 में वो ऑथराइज है जिस बेंच पे चाहे बैठ सकता है, उस क्लास 7 में उसको एंट्री के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास 7 को छोड़कर क्लास 8 में घूम रहा है तो लोग उस पर नजर रखेंगे, रे ससुरा तू नहीं तीन कौन सी चक्कर पकड़ करने आया है। अमूमन लड़का क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में जा रहा है तो चक्करे पकड़ करने जा रहा होता है, समझ आ गया नहीं आ गया, आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिए क्लास 7 का है, 6 में क्या कर रहा है, अरे वो सोच रहा 6 में आया चक्कर पकड़ करने के लिए, लाल पीला हरा के चक्कर में, आप लोग गए कि नहीं इस क्लास से उस क्लास, तो समझिए ध्यान से। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन
अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वह ऊर्जा को लॉस नहीं करेगा, जबकि मैक्सवेल ने कहा था कि अपनी कक्षा में भी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, लॉस। बोरबरी ने कहा कि यदि अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा लॉस नहीं होगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो क्या इसकी ऊर्जा लॉस होगी, नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर इस ससुरा इधर जाएगा और चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा लॉस होगी, ऊर्जा में कमी आएगी। जब ऊर्जा समाप्त होगी तो वापस गिरेगा अपनी कक्षा में। अब अपनी कक्षा में ऊर्जा की जरूरत है नहीं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से छोड़ता है दूसरी कक्षा में तो ज्यादा देर नहीं रह पाता, हथवा रगड़ देते हैं ना इसे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक हथवा गर्म नहीं रह पाता है, फिर वापस वो कहाँ चलाता है, अपनी कक्षा। रेडियम पे टॉर्च जलाइएगा ना, टॉर्च रेडियम आता है घड़ी उड़ी में, उसमें टॉर्च जलाइएगा ना तो आधा घंटा तक चमकेगा। क्या है, आधा घंटा तक चमकेगा। क्यों चमक रहा है भैया? उसकी निचली कक्षा का इलेक्ट्रॉन टॉर्च की रोशनी से ऊर्जा लेके अपनी कक्षा को छोड़ के कहां चल गया है, ऊपरी कक्षा में, अपने से उच्च कक्षा में चला गया है। लेकिन चला तो गया है, लेकिन धीरे 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 उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी, और जब ऊर्जा समाप्त होने लगेगा तो वापस अपनी कक्षा में चला आएगा। तो मैक्सवेल का सिद्धांत ज्यादा सक्सेस था कि बोरबरी का? अपनी कक्षा में घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा यानी ऊपरी कक्षा में जाता है तो क्या वो वहां अस्थाई रूप से रह सकता है? नहीं रह सकता है, ऊपरी कक्षा में नहीं रह सकता। क्या वो कोई ऊपरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अपने से निचली कक्षा में जाता है तो क्या हमेशा वहां रह सकता है? नहीं रह सकता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने से बड़ी वाली कक्षा में जाएगा तो उसे बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा था, जब इलेक्ट्रॉन निम्न यानी निचली कक्षा को छोड़कर उच्च यानी ऊपरी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं? गलत बता दिया, बाहर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तब वो उचली कक्षा में जाते हैं, और वहां जाकर ऊर्जा का त्याग करते हैं, और जब ऊर्जा समाप्त होती है तो अपनी कक्षा में वापस आते। वो जाने के लिए पूछ रहा है, तो बताइए उच्च कक्षा में जाने के लिए बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा या नहीं? बिना बाहर से ऊर्जा दिए कोई निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन जंप मार के उच्च कक्षा में जा सकता है? इसे जंप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से ऊर्जा। तो बाहर से ऊर्जा कैसे दीजिए? रगड़ दीजिए, नहीं तो टॉर्च जलाइए, हीट कीजिए, गर्म कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, कुछ भी दीजिए, तभी क्या कर सकता है, जा सकता है। किसी किसी लाइट को देखिएगा, बल्ब को लाइट जला देंगे तो लाइट जलेगा, जला देंगे तो क्या होगा, लाइट जलेगा, लेकिन बंद करने के बाद भी कुछ देर तक लाइट वह जलते रहेगा। देखें हैलोजन वगैरह कई चीजें देखे होंगे, तो क्यों, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था, उच्च कक्षा में जा चुका था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उच्च कक्षा में जा चुका था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ वो उच्च कक्षा को छोड़ के आएगा। बताइए निम्न कक्षा से अगर उच्च कक्षा में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से ग्रहण करना पड़ेगा या अपनी ऊर्जा त्यागना पड़ेगा? हाँ, बाहर से ऊर्जा ग्रहण। अच्छा, अगर कोई बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, वो चाहता है कि निम्न कक्षा में जाएं, तो अपनी ऊर्जा को त्यागना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा को त्यागना, इसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए या इसकी ऊर्जा निकाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, चला जाएगा कहाँ पे, निम्न कक्षा, लेकिन वापस जब इसको नेचुरल टेम्परेचर मिलेगा तो चलाए, वापस अपनी कक्षा में चलाए। यानी अगर अस्थाई बने रहना है तो किस कक्षा में, अपनी कक्षा में, अस्थाई बने रहना है तो अपनी कक्षा। उच्च कक्षा में जाना चाहते हैं तो ऊर्जा का ग्रहण, निम्न कक्षा में त्याग। विषय ऐसे समझिए, आप टेंथ में पढ़ते हैं, चाहते हैं इलेवेंथ में जाना, तो एनर्जी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाएंगे इलेवेंथ, वापस आइए अपनी जगह पे टेंथ में। आप चाहते हैं कि ना हम नाइन्थ में जाएं, तो दिमाग को लॉस कर दीजिए, मुड़ी लड़ा लीजिए, फेल हो जाइए, ऑटोमेटिक चल जाएंगे नाइन्थ में। कहाँ चल जाएंगे, नाइन्थ में। अब टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी कक्षा में रहिए, टेंशन फ्री रहेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से बोरबरी ने जो मॉडल दिया था उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या रह सकता है, अस्थाई रह सकता। उच्च कक्षा में जाएगा तो बाहर से ऊर्जा लेना पड़ेगा, निम्न में जाएगा तो त्यागना पड़ेगा।
त्यागना पड़ेगा, लेकिन निम्न में भी अस्थायी रूप से नहीं रहेगा। जैसे त्याग दिया तो चल गया, लेकिन जैसे स्थिति सामान्य होगी वापस वो अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में आप अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। कितना बढ़िया रेडियम ले लीजिए, वो चमकेगा ज्यादा देर नहीं, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाद वो क्या होगा, वापस आएगा, वापस अपने जगह पे चला आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो बोरबरी का मॉडल सक्सेस हो गया कि नहीं? अब बताइए इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं गिर जाता है? वो अपनी कक्षा में अस्थायी रूप से घूम रहा है, अपनी कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। अपनी कक्षा में घूमने में एनर्जी लॉस होती है? क्यों नहीं लॉस होती है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो वो क्या होते रहते हैं, घूमने रहते हैं, बैलेंस बीम में घूमते रहते। अब बात यहां ये आ जाती है कि हमारी कक्षा कौन, कौन आपकी कक्षा है और कौन आपकी कक्षा नहीं है। जैसे हम आपसे कहते हैं 5वां नंबर का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तो उसकी अपनी कक्षा है कि नहीं है? ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि अपनी कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उच्च कक्षा में गया तो ऊर्जा की जरूरत है, निम्न गया तो लॉस करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा है? जैसे हम कहते हैं 2रा नंबर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, 8वां नंबर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, 13वां नंबर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए बोरबरी ने इसके लिए कहा था कि अगर आप कक्षा की संख्या, कक्षा यानी ऑर्बिट, कक्षा मतलब ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट की संख्या को क्या मान दे, ऑर्बिट की संख्या क्या मान ले, एन, तो कक्षा की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2n2। क्या होगी? 2n2। ये फॉर्मूला है, एन क्या है, कक्षा की संख्या। बकलोलिया इधर देखो, पीडीएफ में मत देखो, उसमें नहीं मिलेगा। कितना बार समझाए, पीडीएफ जो देखेगा सत्यानाश हो जाएगा, एकदम गारंटी। आप कितना तेज है क्या नहीं है, आपके पास कैसा पीडीएफ है कोई माने रखे, आपके दिमाग में कितना है, जो डाउनलोड है एग्जाम में यही आने वाला है। आप लोग कहे मतलब कॉन्फिडेंस रख लीजिए, पढ़िएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बेचारी डरी हुई है कि सर बोलते हैं जगह नहीं है। 2n2, n क्या है, कक्षा संग। ये फॉर्मूला किसने दिया, बोरबरी। अगर हम पहली कक्षा की बात करेंगे तो एन बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4, यही ना फॉर्मूला होगा। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 × 2 2, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 8 को इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कितने क्या रह सकते हैं, अस्थाई, और पहली कक्षा में 2, तीसरी के लिए n बराबर 3, 3 × 3 = 9 9 × 2 = 18, यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अस्थाई रूप से, 18, 18 वे इलेक्ट्रॉन अस्थाई रूप से रह सकते हैं। अगर 19वां आया तो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि ऊपरी कक्षा से एनर्जी लॉस करके आया है तो तब तक रहेगा जब तक उसे हीट या बाहर से एनर्जी नहीं मिल जाता, फिर वापस अपनी कक्षा में चल जाएगा। या निचली कक्षा से कूद के आया है तो लॉस करके वापस चल जाएगा। बीच में अब कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ अपनी चौथी कक्षा के लिए कितना, ये कैसे बता दी सब जी, 32 सही बताइए, बता। लड़की सब ये पढ़ने में तेज हो गई, हम लोग के टाइम पे ना 3-4 को लड़कियां पढ़ती थी, उसके बाद उसको बोल दीजिएगा ये क्या होगा, ये माई चौथी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोले चौथी कक्षा हो तो ब्याह वाला चौथी सोच लेंगे, ब्याह के बाद देखो चौथी जाता है ना। नहीं समझा तुम लोग, ब्याह के बाद जाया जाता है चौथी। चलिए ध्यान से, अब लड़की जब भी पढ़ने लगी है सब, हम लोग के समय वाली नहीं पढ़ती थी, उतना नहीं पढ़ती थी, 1-2 थी सब पढ़ने में ठीक ठाक, बाकी सब कोई खास मतलब नहीं। लेकिन अब खास करके कोरोना के बाद एजुकेशन का ग्राफ इतना तेज बढ़ा है जिसका कोई, अच्छा एक संडे के दिन एक पत्रकार भाई मिल गया हमको, हाँ ना इसी कल है, अब वो नेशनल लेवल का था, कह रहा सर शिक्षा तो शिक्षा माफिया के हाथ में आ गया। हम कह देखो इसको, हम कह इधर आओ, सही बोल रहे हैं, शिक्षा माफिया के हाथ में आ गया। एक प्राइवेट लोग इतना काम कर रहा है शिक्षा माफिया, हम क्या
तो गलत का तो साथ नहीं देना चाहिए, कहे नहीं बिल्कुल नहीं देना। हम कहते आप शिक्षा माफियों से दूर रहिए, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए पढ़ाइए। कहा कि ना सरकारी में पढ़ाई नहीं। तुम कह सोचो सरकारी में तुम कह रहे पढ़ाई नहीं होता है, जो पढ़ा रहा है उसको तुम शिक्षा माफिया कह रहे हैं, तो घर बैठा के पढ़ाओ, घर बैठा के पढ़ाओ, झाल बजाएगा बड़ा होके। हमारे हमारे पास आके नौटंकी करता है, नहीं समझा। हम बिहारी लोग हैं, अचानक धो देते हैं बढ़िया से, पते नहीं चलेगा अरे ससुर धो दिए यहाँ पे, ये कोई बात है। अरे जैसे हम हैं, अकेले हम तो नहीं है इंडिया में, लेकिन हमारे जैसे हजारों की संख्या में प्राइवेट शिक्षक जो बचा के रखे, वरना सरकारी स्कूल के भरोसे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा अटेंडेंट को, बाद में पूछेगा कि अरे मरीज ये था। अरे बाप रे बाप, एक से एक रहता है, पता ही क्या जरूरत है नौटंकी करने की। हम लोग से अजरेला बिना क्या जरूरत है, हम लोग को नेता है लोग कि गोलमोल जवाब देंगे, स्पष्ट देंगे जवाब, उसके बाद कहे हम कहियो देते हैं कि आप आपको बुरा लगा होगा, लेकिन बुरा लगने के लिए बोले थे। अगर बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं, बुरा ना लगे तो फिर तो बातें क्या बेकार बात है। आप हम किसी की इज्जत उतना ही कर सकते हैं जितना वो हमारी इज्जत करे, समझ में आ गया कि नहीं। किसी की इज्जत में हम सर झुकाए हैं और कोई गिरा हुआ समझ ले तो ये तो गलत बात है। यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी उसको रंग लाने में 10 साल लगेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। आगे बढ़ जाएं, अब फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं गया, बताइए। पहली कक्षा में 2, दूसरी 8, तीसरी 18, चौथा 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, कोई दिक्कत आपको वकील साहब, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसको हैंडीकैप के सीट से पीछे का भेज दिया लोग, इसमें सब सब हैंडीकैप लोग हैं आप लोग, जो लोग बिना हैंडीकैप मतलब थोड़ा बहुत में, एक काला बैठ गया था, कह रहा था कि हम भी हैंडीकैप में आएंगे, ये कोई बात है। टकला बैठ गया था एक तो, वो हैंडीकैप लोग वाली सीट में वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करिएगा लोग, ठीक है। आगे बढ़े, 2, 8, 18, 32 याद होगा। अच्छा फॉर्मूला पूछेगा तो 2n² 2n² सकीबा खातून सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूं लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ाती हूं, वेरी गुड बाबू, ऐसे बल लगा के पढ़ाइएगा। देखिए सारे लोग तो नहीं ना खराब हो सकते हैं, हम लोग के भी सरकारी स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जिनको आज भी अगर कहीं भी मिल जाए ना चौराहे पे तो आदमी पैर छू के प्रणाम करेगा, लेकिन उसी सरकारी स्कूल में कई टीचर ऐसे मिलेंगे जिनको हम पहचानने से इनकार कर दे, कर दे सोचा तो नहीं। हमारा एक तो हम आपको क्या बोले, टीचर हम कहने में उनको शर्म लगता है, वो लैब उन लैब हेड थे, और ना जो स्पिरिट आता था हम लोग केमिस्ट्री का लैब होता है ना, उसमें आप मिट्टी तेल से आप आग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो धुआं देता है और काला हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, तो स्पिरिट से आग लगाई जाती, उसे थोड़ा पी जाता था स्पिरिट, वह पियक्कर था पूरा। हाँ आएगा लैब में, जब लैब खोलेगा ना तो सारे लड़का को समझ में आ गया कि पढ़ाने के लिए लैब लैब नहीं खोल रहा है, जाके वहाँ पे लैब आएगा पी जाएगा, वहाँ पे 8 या 10 लीटर साल में लैब वो आता है स्पिरिट, जाएगा डेली उसमें से खोलेगा 2 ढक्कन टन, बताइए तो ऐसा थोड़ी होता है, एक से एक बैल होता है सब। आगे बढ़ जाए, 2n² पे बता सकते हैं, बताइए। तो अगर तीसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है तो क्या वो अस्थाई रूप से रहेगा, वापस वो अपनी कक्षा में जाएगा, किस कक्षा में जाएगा, दूसरी में, किस में जाएगा, दूसरी में, क्योंकि पहला में तो बस पहला दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरा यानी आया है उधर से, तीसरा कहां से है, उधर से वापस चला जाएगा उसमें। तो बताइए जो मैक्सवेल का सिद्धांत सक्सेस हुआ नहीं, वो कहा था कि कहीं घूमोगे तो ऊर्जा का लॉस होगा, अपनी कक्षा में लॉस होता है, उच्च कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का ग्रहण, निम्न कक्षा में जाने के क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है किसी को, अपनी कक्षा में ऊर्जा के लिए त्याग नहीं करना, अपनी कक्षा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n², जहां n क्या है कक्षा की संख्या, पहली कक्षा में 2, 8, 18, 32 2, 8, 18, 32 उसी हिसाब से आप पांचवी कक्षा के निकले, 5 × 50 कितना हो जाएगा 50, 2n² में पांचवी कक्षा के लिए n = 5, 5 × 25 = 50, 5² = 25, 25 × 50, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए ध्यान से, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है,
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सब, अंदर अब इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, क्या लगा रहे हैं बहू, चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2n2, 2n2 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए नाभिक जो होता है ना, नाभिक, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले कण को न्यूक्लियान कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियान। क्या कहेंगे? न्यूक्लियान कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियान। न्यूक्लियान में क्या क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन सा न्यूक्लियान नहीं है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियान में नहीं आता, किसमें आता है? परमाणु में। किसमें आएगा? परमाणु। परमाणु में एक परमाणु आ गया और उसका केंद्र हो गया, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले कण को क्या कहेंगे? न्यूक्लियान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियान। हालांकि किसी भी परमाणु में देखेंगे आपको तीन चीज पक्का मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अतः इन तीन कण को हम अस्थाई कण कहते हैं। क्या कहेंगे? अस्थाई। इसके अलावे भी मिलते हैं सर, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, बोसान, ये चीजें मिलते हैं, लेकिन वो किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। तो परमाणु के कण दो टाइप की हो जाएंगे, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और बोसान क्या है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अस्थाई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियान में? न्यूक्लियान में प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम अस्थाई पहले पढ़ लेते हैं। देखिए अस्थाई और अस्थाई, बोसॉन किसमें आएगा? बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस ने खोज किया था, इसके नाम पर उन्होंने बोस के नाम पे क्या कर दिया? बोसॉन नाम रख दिया। आप लोग भी खोज करते तो अपने नाम पे रख सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बकलोलियान अपना खोज कीजिए, एक अस्थाई कण दीजिए बकलोलियान, किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला समझिए, एंटी पार्टिकल किसे कहा जाता है? प्रतिकण। एंटी पार्टिकल या प्रतिकण। प्रतिकण क्या होता है समझिए, ऐसा कण जो एक दूसरे से दुश्मनी रखता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिकण। प्रतिकण जैसे महात्मा गांधी का प्रतिकण नाथुराम गोडसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक दूसरे का क्या एंटी था, तो वैसे कण जो एक दूसरे को देखते नष्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? लेकिन यहां पे गड़बड़ है, गांधी जी उसके लिए प्रतिकण नहीं थे, गांधी जी थोड़े ना कुछ किए रहते हैं, पूरे जीवन भर किसी को ना मारे, 80 साल के हो गए, जो चलल फिलल नहीं जा रहा था जाकर मार दिया, वैसे ही जाने वाले थे। उस साल उनको ना नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जा रहा था। समझ आ गया कि नहीं? अब मरे हुए व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दी, अब बात दिया महात्मा गांधी को, बताइए। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर मैं गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता हूं। वेरी गुड बाबू, पढ़ाते रहिए, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद लाल हो जाता है, पढ़ाते रहिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा अगल बगल में। एंटी पार्टिकल क्या हो जाते हैं? जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? एंटी पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के ही भाई होता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में, उतना ही पावरफुल पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव में। समझा गया कि नहीं? अब अगर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो आपस में क्या कर लेंगे? नष्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नष्ट कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो एक दूसरे को नष्ट करने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिकण। क्या कहेंगे? प्रतिकण। एंटी पार्टिकल प्रतिकण, प्रतिकण, प्रतिकण के रूप में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। तीनों चीज समझ में आ गया। न्यूक्लियन में क्या कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थाई कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थाई में जितना मिले बाकी सब इसमें डाल दीजिएगा। देखिए बाबू, आपको अस्थाई कण में आपको पहला पता है इलेक्ट्रॉन, पता है कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों की खोजकर्ता भी आपको पता है, वो सब चीजें आपको तो यादें रहेगी खोजकर्ता वगैरह में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या निगेटिव, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसका जो भार होता है 9.1 × 10⁻³ -31 kg, माइनस में जितना पावर हो ना उतना जीरो से भाग देना है। जैसे 1 kg हम लिखें, जैसे तो 1 kg है, ठीक है, 1 kg तो आपको पता होगा, लेकिन हम कह देते हैं कि किसी चीज का भार जो है 10⁻² kg है, इसका मतलब सबसे पहले आपको 1 kg लेना है, और 10⁻ कितना जीरो है, दो है, तो 100 से भाग देना है। क्या करना है, 100 से, बताइए वो कितना केजी का बचेगा, 1 kg में 100 से भाग देंगे तो सुझाऊ का पूरा पावर खत्म हो जाएगा, बचबे करेगा कुछ, 1 kg लेके उसका 100 टुकड़ा करिएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अगर हम कह दें किसी वस्तु का भार 10⁻⁵ है तो उसको कितना जीरो वाले से भाग देना होगा, 5 जीरो, 1, 1, 2, 3, 4, 5, सोचो 100,000 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज को कह दे कि उसका भार 10⁻⁵ kg है, तब उसका भार कुछ है, अब सोचिए ना, 1 kg लीजिएगा उसका 100,000 टुकड़ा कीजिएगा, उसका एक टुकड़वा का वजन कीजिए, क्या मतलब बनेगा। हाँ, किसी वस्तु का भार हम बताते हैं कि 10⁻⁷ है तो कितना जीरो से, 7, हाँ 1 करोड़ से भाग देना पड़ेगा। उसका वजन कुछ समझ में आएगा, नहीं ना समझ में आएगा। किसी वस्तु का भार 10⁻²० है तो कै गो जीरो, 20 गो जीरो देना पड़ेगा, 20 गो हुआ कि नहीं जी, 1, 2। अब 1 kg लीजिए और उसमें इतना से भाग दीजिए, उसका भार कुछ समझ में आने वाला है जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन का भार होता है सोचो 10⁻³ -31, कै गो जीरो, और नीचे लेते चलते हैं। अरे बड़ी ज्यादा हो जाता है जी, हो गया, एगो हो गया, इतना भयानक भाग देना पड़ेगा। अरे छोड़ोगे दो कहीं के, जीरो मत गिन, हो गया समझो 10⁻³। इतना हल्का होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 kg नहीं ना होता है जी, 9 kg पर 31 गो जीरो, तो यहां ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 9 kg, तो 9 kg लीजिए और उसमें इतना जीरो से क्या कीजिए, भाग दीजिए, तो जिसको एक टुकड़ा बचेगा ना वही भार किसका है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता है, समझ में आ गया, तीनों अस्थाई कण में, तीनों के तीनों अस्थाई कण में सबसे हल्का कोई होता है तो इलेक्ट्रॉन, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कितना हल्का होता है, समझ में आ गया, निकालने में हालत खराब हो जाएगा इसका। तौला कौन था ससुरा, इसको 1.6725 × 10⁻²⁷ kg, तो इसमें कहे को जीरो से भाग देना, और कितना में 27 से, 1 से, वहां तो 9 से दिए थे ना, यहां 1 से। अब बताइए ध्यान से, हाँ 6 7 होता है, 6725। अब ये बताइए, गर्ल्स लोग में बताइएगा, उसके बाद हम आपको क्या चीज बोलता है जी, इतना कम वेट कैसे करते हैं लोग, उसका इंस्ट्रूमेंट आता है कम वेट का। ये बताइए आप लोग कि ज्यादा भारी इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, गर्ल्स लोग, गर्ल्स है, तुम इधर क्या कर रहा था, गर्ल्स लोग में बताइए ज्यादा भारी, हाँ कितने लोग प्रोटॉन बोल रही है, इलेक्ट्रॉन कितने बोल रही है, ज्यादा भारी में इलेक्ट्रॉन कौन बोल रही है, ले आप लोग कुछ नहीं बोल रही है, ज्यादा भारी, ठीक है, ज्यादा भारी प्रोटॉन है। अरे इतना दिमाग थोड़ी लगा जाता है, इधर बाहर में जाइए 9 10, इधर इसको हटाइए, इस ससुरा का 31 टुकड़ा किया है,
और इसका 27 टुकड़ा किया है, तो भारी कौन रहेगा? 27 टुकड़ा वाला, क्योंकि इसका कम से कम बच गया 5 गो टुकड़वा भी यहाँ पे, एक तो 21 गो उड़ा दिया यहाँ पर, समझा गया 31 मारा है इसका सतह, तो ज्यादा भारी यही ना रहेगा, ये हल्का रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा भारी, हाँ। अब आते हैं न्यूट्रॉन, 1.6748 × 10⁻³¹ kg। अरे फिर टू लिख दिए हैं, बोले हैं 6-7 और टू लिख दिए हैं, अरे दादा हमारा गलती लिख देते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसमें बड़का दिक्कत आ जाएगा, काय के लिए 27 टुकड़ा इनका भी टुकड़ा है और 27 इनका भी टुकड़ा उड़ाया है। अब दिखने में दोनों क्या है सेम, अब थोड़ा इधर देखना है, ये भी एक ये भी एक, ये भी छः ये भी छः, ये भी सात ये भी सात, 2, 4, 5, 8, ये वाला हो गया ज्यादा भारी, क्योंकि यहां से तो दोनों बराबर था, अभी भी दोनों बराबर चल रहा है, 1-1 दोनों में पॉइंट, 6-6, 7-7 ये 2, 25 है या 48 है, तो ये वाला भारी, यानी सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, सबसे भारी सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबसे भारी, तो जो भारी रहता है वो एक जगह थौआ ऐसा बैठ जाता है, ज्यादा चक्कर पकड़ नहीं करता। तो बताइए न्यूट्रॉन कोई चक्कर पकड़ करता है? उसके पर कोई चार्ज है? उसके बगल से कोई लाल पीला हरा गुजर जाए कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारी भी है। तो अपने लॉज में भी देखिएगा, कुछ कुछ होगा सब एकदम थौआ बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वजन कैसा है? न्यूट्रॉन सबसे भारी, सबसे कम गति न्यूट्रॉन, भारी है तो गति करेगा जी, सबसे कम गति न्यूट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी कौन सी सोच रहा है गधा? तुम तो लिखने में परेशान है, पढ़ेगा कौन सी? नहीं तुम्हारे पीछे वाला, हाँ हाँ टेंशन नहीं, उधर होशियार बन रहा है, हाँ इंजीनियरिंग से लात खा के आया होगा, हाँ इंजीनियरिंग से कोई लात खा के आएगा सब ना, तो उधर फर्चीन बनेगा सब, आधा केमिस्ट्री निकलने के बाद समझ में आएगा कि सर जी ठीक है बोल रहे थे, यहाँ केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ और है, वहाँ कुछ और है, जब तक आधा बीत चुका रहेगा, एकदम एक से एक होशियार रहेगा सब। सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे कम गति न्यूट्रॉन, सबसे हल्का और सबसे तेज गति, कोई भी चीज हल्का रहेगा तो भागेगा दलदला के एकदम, और कौन भाई भी भारी चीज दौड़ पाएगा, जैसे ये सिंगल चेजिस वाला लड़का, ये बहुत तेज भागेगा लेकिन दूर तक भाग नहीं पाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगा इसका, समझ में गया कि नहीं? तुम काला सांड मत खड़ा होकर देखो, हाँ एक तुम सफेद टी शर्ट पहन लेता है बतासा में चिवटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तृप्ति वर्मा करिए सर, आपका क्लोन बना देना चाहिए, क्लोन एक एक के शरीर से दूसरे जैसा मिलते मिलते हो जाता है, क्लोन क्लोन बन जाता है, क्लोन में समस्या आती है माइंड कॉपी नहीं कर पाता है, उसका माइंड कॉपी नहीं हो पाता है, ये याद हो गया? खोजकर्ता बोलिए इसका, जे जे थॉमसन, दे दे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, इसका चैडविक, चैडविक कौन है? चैडविक। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की, लेकिन क्वेश्चन कहेगा प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, परमाणु मॉडल बोरबरी, परमाणु मॉडल बोरबरी, अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड, नाभिक की खोज प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। भार देख लीजिए, अभी हम सबसे इंडिविजुअल पूछते खड़ा होकर, भार देखिए ध्यान से इसको, भार हल्का भारी ना पूछेंगे, बकलोलवा कहीं क्या कर रहा है, याद है सर पूछिए ना कौन हल्का भारी यहाँ पे, अब नंबरवा पूछेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6725
केमिस्ट्री में सारे वैज्ञानिक का नाम याद करने में प्रॉब्लम होता है, जहाँ नहीं याद वहाँ कबीर, रहीम, तुलसीदास ये सब जोड़ देना है। चलिए बाबू, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन का भार याद है कितना होता है? 9.1 × 10³। 9.1 × 10⁻³। अरे +31 मत करना जी, ससुरा पृथ्वी का भार हो जाएगा, फिर तो ऊपर आ जाएगा वो जीरो जो नीचे भाग दे रहे थे ना, अगर पावर प्लस करेंगे तो ससुरा ऊपर चलाएगा, कहेगा किस में गुणा करना है आओ बताते हैं, अब माइनस करेंगे तो भाग देने के लिए नीचे उतर जाता, कौन है रे? 6 9.1 × 10⁻¹। लाइव में सबका सही है, आर्यन, राजू, सब लोगों का, किसी को दिक्कत है वो लिख ले इट्स मी, क्लास का नाम ले इट्स मी, ब्रैकेट में बौका लिख दो, यहां से एडिट हो सकता है, तुम कुछ भी करोगे डाटा तो हमारे ही पास आएगा, यहां से एडिट हो जाएगा, रंग बिरंगा नाम लिखेगा तो उसमें बौका छोड़ देंगे लोग। प्रोटॉन का भार बताइए, −27 × 10⁻²। 1.6725 × 10⁻²− 27 −27। न्यूट्रॉन का 1.6748 × 10⁻²। 1.6748 × 10⁻²− 27। किसी को दिक्कत? ये वाला जो भार है ना, ये वाला भार, इसी भार को हम लोग ना एक एवरेज भार मान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में पाए जाने वाले अधिकांश जो कण होते हैं, छोटे कण, उनका भार इतना ही लगभग पाया जाता है, इसलिए इसे एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU कहते हैं। क्या कहेंगे? AMU, यानी इसी भार को हम लोग क्या मान लेते हैं? औसत। तो बताइए, ये हम ये भी कह सकते हैं प्रोटॉन का भार इतना होता है, नहीं तो 1 AMU कह सकते हैं, इसका भार कहेंगे 1.6748 × 10⁻²। ये कह सकते हैं 1 AMU हो सकता है, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन ये तो ससुरा इससे हल्का होता है, तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन का भार AMU बराबर होता है उससे भी कम होता है? हाँ, उससे कम होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार को हम औसत भार क्या कर देते हैं? मान कर दे, कंज्यूम कर लेते हैं कि भैया मान लो कि इतने, क्योंकि ज्यादातर छोटे कणों का भार इतना ही होता है, इसलिए उसे क्या कर लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन पूछा था इनमें से किसका भार AMU के बराबर है, पॉजिट्रॉन, क्वेश्चन दिया था, सुनिए ध्यान से, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन। हाँ, प्रोटॉन, न्यूक्लियन कैसे होगा सोचा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 MU हो जाएगा, न्यूक्लियन में तो दोनों आएगा, अब दोनों को जोड़ देंगे 2 AMU हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, नहीं समझे? तो AMU मतलब क्या है? औसत। जैसे मान के चलिए हम यहाँ सबका वजन कराएं, सबका भार कराएं, औसतन वजन जो आएगा ना वो 55 kg आएगा, आप में से औसत जो आएगा, अरे ये सब 23 से 24 की मिलेगी सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा वजन का थोड़ी रहेगी सब, यहाँ पे 2-4 लोग हैं, जैसे आपका 82-60, चलिए ध्यान, तो हम औसतन वजन कितना मान लेते हैं? 55, कितना मान लेते हैं? 55, तो उसको हम मान लेते हैं, उसको कह देंगे कि स्टूडेंट मास यूनिट, SMU, क्या हो जाएगा? SMU। तो बताइए इसमें से कितने लोग हाथ उठाइए जिनका भार SMU यानी स्टूडेंट मास यूनिट के लगभग बराबर है, 2-4 किलो आगे पीछे चलेगा, 2-4 किलो आगे पीछे चलेगा, ले तरीका। अच्छा, ये स्टूडेंट के लिए, तब गड़बड़ा गया जी, 50 kg नहीं होगा, तो 55 नहीं, हम दूसरा बात, स्टूडेंट मास यूनिट को हम औसतन मानते हैं 50 kg वाले को, 5 kg आगे पीछे चलेगा, अब हाथ उठाइए, हाँ देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, यानी स्टूडेंट के लिए औसतन मान कितना है? 50। ज्यादा हाथ उठा कि नहीं उठा? तो हमको अलग अलग बताने से अच्छा रहेगा ना, कि हम कह देते हैं कि देखो बाबू स्टूडेंट मास यूनिट हम 50 kg मान लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, जितने लोग SMU के अगल बगल में आते हैं वो लोग एक काम कर लीजिए कि आप क्या कर लीजिएगा,
एक साइड हो जाइए तो आराम से हो सकता है कि नहीं। उसी तरह ज्यादातर पदार्थों का द्रव्यमान जो था वो प्रोटॉन से मैच कर रहा था। अब प्रोटॉन से मैच कर रहा है तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन से भी मैच करेगा क्योंकि ज्यादा का अंतर नहीं है। तो उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो प्रोटॉन AMU के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, AMU से छोटा होता। आगे का क्लास कल समझ जाएंगे लोग, ठीक है।